जनपद उधम सिंह नगर में रविवार को दोपहर में घना कोहरा छा गया, जिसके बाद तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये मूसलाधार बारिश कुछ परिवारों पर आफत बनकर आई, जहां काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र स्थित एक निजी राइस मिल की दीवार गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रबंधन द्वारा उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों द्वारा उपचार के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि काशीपुर निवासी जाकिर हुसैन के घर की हालत ठीक न होने के चलते जाकिर हुसैन अपने एक बच्चे के साथ राइस मिल में मजदूरी कर रहा था कि तेज आंधी तूफान से राइस मिल की दीवार गिर गई, जिसके नीचे आकर जाकिर हुसैन की मौत हो गई और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाजपुर के ग्राम नमूना निवासी बाबूराम बाइक से अपने घर जा रहा था कि घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर तेज आंधी के चलते बाइक पर पेड़ गिर गया, जिससे बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक राहगीरों द्वारा बाबूराम को उपचार के लिए अस्पताल लाया जाता, तब तक बाबूराम ने दम तोड़ दिया। वहीं आंधी के चलते दोनों परिवारों में मातम छा गया। जिनका इंतकाल हुआ है, तो ये जो तूफान आया था, महिमा राइस मिल में काम करते थे मजदूरी, और उसके उनके उनका बेटा भी उनके साथ था, जिसकी आयु करीब 18-20 साल की उम्र थी, और व्यवसाय उनका मेहनत मजदूरी है, मतलब पल्लेदारी करते थे। अपनी परेशानी के कारण वो अपने लॉकडाउन के कारण मतलब परेशानी में अपने बेटे को भी मतलब मजदूरी करने के लिए ले गए थे, और उनमें एक बड़ा भाई का बेटा हमारा भतीजा आजाद अली है, जिसमें कि हमारे तीनों ही सदस्य परिवार मतलब मेरे ही परिवार के हैं, जिसमें 2 भतीजे हैं हमारे और एक भाई था जिनका इंतकाल हुआ है जाकिर हुसैन का। उनकी माली हालत खस्ता थी, मतलब गरीबी से हैं, और 3-4 बेटियाँ हैं, उनकी 4 बेटियाँ थी, 2 छोटे छोटे और बेटे हैं उनके जी। आयुष हॉस्पिटल में, आयुष्मान होटल में जैसे ही मतलब ये काम पर आते थे जी, रोची भांति आज भी उनको बुलाया गया, तो जैसे ही जिस समय आंधी आई करीब 2 बजे 1:30 बजे के आसपास, आंधी थोड़ी हल्की हुई तो अपने घर जाने के लिए स्थिर हुए। घर जाते समय रास्ते में इनके ऊपर पेड़ गिरा, ठीक है, पेड़ गिरने के कारण इनकी डेथ हो गई। ये बाइक पर सर जी, पूरा घटना है, छोटे वो बाबूराम नाम का जो पेशे ड्राइवर है और हीरो एजेंसी पे काम करता है, उसकी आज आंधी तूफान के कारण, आंधी तूफान आने पर नैनीताल रोड पर शीशम का सूखा पेड़ गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है, और उसकी डेड बॉडी इस समय सरकारी अस्पताल में है, जिसमें पीएम की कार्रवाई की जाएगी उसके, और सरकार द्वारा इसको हर संभव इसके परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।